हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक पोयम, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये पोयम लिखी है मेटाफिजिकल पोइट्री के सबसे महानतम कवि ने, जिनका नाम है जॉन डन। ये पोयम उन्होंने लिखी तो थी 1611 में, बट ये पब्लिश हुई थी 1633 में, उनकी मृत्यु के 2 साल बाद। फ्रेंड्स, उन्होंने जब ये पोयम लिखी थी तब 1611 में वो फ्रांस की यात्रा के लिए जा रहे थे, गवर्नमेंट के किसी बिजनेस से, गवर्नमेंट के किसी काम से। तब जो उनकी पत्नी थी वो बहुत सैड थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे थे, काफ़ी लंबे समय के लिए जा रहे थे। तो ये कविता उन्होंने अपनी पत्नी का मन अच्छा करने के लिए, उसे शांत करने के लिए लिखी थी। तो जैसा कि इस कविता का शीर्षक है, अ वैलेडिक्शन, वैलेडिक्शन यानी विदाई, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, फॉरबिडिंग मॉर्निंग यानी कि शोक जताना, तो किसी के विदा होने पर शोक जताना। तो हमें पता चल गया, टाइटल से ही पता चल रहा है कि पोएट एक यात्रा पर जा रहा है और वो उसे ये कह रहा है कि अपनी पत्नी को कि शोक नहीं मनाना है। तो इस पोयम में टोटल 9 स्टैंजाज हैं, छोटे छोटे हैं, और हर स्टैंजा में टोटल 4 लाइन्स हैं, यानी टोटल 36 लाइनें इसके अंदर हैं। तो इसकी समरी आपको बता दूं, उससे पहले ये बता दूं कि इस पोयम में जो पॉइंट हैं जॉन डन, उन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ के बारे में यहाँ बताया है, जैसे साइंस, इकोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिए हैं। तो इसे पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट ने नहीं लिखी है, बल्कि अलग अलग कैटेगरीज़ का नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने लिखी है। तो स्टैंजा वाइज जब मीनिंग्स आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एस्ट्रोनॉमी का भी एग्ज़ाम्पल आ रहा है, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग फर्दर अड्यू, शुरू करते हैं। पोयम स्टार्ट होती है, पहला स्टैंजा है, तो यहाँ पर पॉइंट फ्रांस के लिए निकल रहे हैं, उनकी वाइफ रो रही है और वो उन्हें शांत करने के लिए पोयम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये जो घर से जाना है, इसको आप एक चीज़ से कंपेयर कर सकते हो कि जब कोई बहुत ही बुद्धिमान और गुणों वाला व्यक्ति गुज़रता है या पास होता है, या जब उसकी डेथ होती है, तो वो बिल्कुल आराम से, शांति से अपनी डेथ को वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पता होता है कि डेथ के बाद वो भगवान के पास जा रहा है, वो कोई ज़्यादा हो हल्ला नहीं करता है, रोना धोना नहीं करता है। उसके पास जो आदमी खड़े रहते हैं उन्हें भी इस चीज़ का असली ज्ञान नहीं होता है, कोई कह नहीं सकेगा कि इसकी सांस रुक गई है या ये मर गया है या नहीं मरा है। तो अल्टीमेटली पॉइंट यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है हमको कि जो एक वर्चुअस मैन होता है वो मृत्यु को गले लगा लेता है, एक गुणी व्यक्ति डेथ को गले लगा लेता है। तो मेरी प्यारी, मेरी डियर, आप भी इस चीज़ को समझो कि ये कुछ दिनों की विदाई है, इसे खुशी खुशी गले लगा लो, ज़्यादा रोना धोना मत करो, क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि जैसे एक गुणवान व्यक्ति की मौत होती है और लोग ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, दुख व्यतीत करते हैं, ये कुछ कुछ वैसा ही लगेगा। ये बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में। अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि सो लेट अस मेल्ट, चलो हम पिघल जाएं एंड मेक नो नॉइस, कि चलो हम अलग अलग हो जाएं, जुदा हो जाएं, पर बिना शोर शराबे के, बिना आंसू बहाए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा और लोगों के बीच हमारी मजाक बनेगी, हमारा उपहास बनेगा, और हमारे यदि आंसू बहेंगे तो हमने पास्ट में जो खुशी को फील किया है, जो हमने साथ में इंजॉय किया है, ये आंसू उस खुशी का एक अपमान होगा, उसकी एक इंसल्ट होगी। अब थर्ड स्टैंजा में जो पॉइंट है वो एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम्पल दे रहा है। वो कहता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, गोल गोल घूम रही है, और इस घूमने की वजह से
कभी कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जैसे अर्थक्वैक आता है, साइक्लोन आता है, टोर्नेडो आता है, समुद्र में सुनामी आता है, इसकी वजह से कितना सारा नुकसान होता है। ह्यूमन बीइंग्स उस नुकसान को काउंट करते रहते हैं, पर हमारे सौर मंडल में, हमारे इस यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनमें भी कंपन होता है, पर वो कभी इतना शोर शराबा नहीं करते, वो इनोसेंट हैं। पर धरती पर यदि थोड़ा सा भी, कोई छोटा सा भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो आदमी कैलकुलेट करने लग जाता है कि उससे कितना नुकसान हुआ। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शोर शराबा नहीं करना है, अपना दुख हमें नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉइंट कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज है, कैसे उसने बढ़िया तरीके से प्लैनेट्स का एग्ज़ाम्पल दिया और इसको उसकी और उसकी वाइफ की जुदाई के साथ कंपेयर किया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि ये एक मेटाफिज़िकल पोइट्री है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पॉइंट कहता है कि डल सब लूनरी लवर्स लव, डल का मतलब होता है नीरस, और सब लूनरी से मतलब है कि वो उन लवर्स का एग्ज़ाम्पल दे रहा है जो कि सिर्फ़ एक दूसरे के प्रति फिज़िकली अट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर शारीरिक आकर्षण है, बट कोई स्पिरिचुअल बॉन्डिंग उनकी नहीं है, सिर्फ वही रोना धोना करते हैं जिन्हें आपस में फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है। जैसे ही थोड़ी सी भी एब्सेंस होती है, एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो ये बिल्कुल ही डल हो जाते हैं, उनका रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाता है, वो एक डिस्टेंस से रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते। बट हमें ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा जो प्यार है वो शारीरिक और स्पिरिचुअल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल दोनों हैं। अब अगले स्टैंजा में पॉइंट कहता है कि जो हम दोनों का लव है वो बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही प्योर है, उसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा एडेड नहीं है, और इस चीज़ को हमारे माइंड भी दोनों के एक्सेप्ट करते हैं। हमारा माइंड भी इस बात को लेकर अश्योर्ड है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ दिल नहीं है जो कि हम दोनों के जुड़ा हुआ है, बल्कि आत्मा भी हमारी एक ही है। अब यहाँ पर आगे पॉइंट ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अ ब्रीच बट नॉट बट एन एक्सेप्शन। ये ब्रीच का मतलब होता है टूटना, अलग होना, और एक्सेप्शन का मतलब है कि जैसे वो फैला हुआ है। तो इसके बाद वो एग्जाम्पल देता है गोल्ड का, कहते हैं जैसे गोल्ड को हीट करते हैं तो उसकी लेयर्स बन जाती हैं, वो फैल जाता है, उसी तरीके से हमारा प्यार है। हम दूर जा रहे हैं ना, तो हमारे बीच में ब्रीच हो रहा है, मतलब हम जुदा हो रहे हैं, पर कमज़ोर नहीं हो रहे, टूट नहीं रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उसका विस्तार हो रहा है हमारे प्यार का। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे उसने केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया, उसने अपने प्यार को रिफाइंड कहा, गोल्ड के साथ कंपेयर किया। सो अगेन हमें पता चलता है कि ये एक मेटाफिज़िकल पोइट्री है। अब अगले स्टैंजा में ध्यान से देखना, वो एक फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम्पल देगा। वो एग्ज़ाम्पल देता है कि जैसे एक कंपास होता है, डायरेक्शन नापने के लिए कोई यंत्र होता है, उसमें दो सुइयाँ होती हैं, राइट? कंपास होता है ना, जैसे हम गोल निशान बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो ये कहता है कि जो दिशा नापने का यंत्र है उसे भी हम कंपास कहते हैं, उसमें दो सुइयाँ होती हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, वो नॉर्थ और साउथ को बताती हैं। ऐसे ही ये जो दो सुइयाँ हैं ना, वो एक आप हो और एक मैं हूँ, हम एक दूसरे से दूर यानी अपोजिट साइड में हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि देखिए, जब दोनों सुइयाँ मूव करती हैं, अपनी लोकेशन में जाती हैं, जो एक सुई है वो दूसरी सुई से दूर भागती है, बट एक समय के बाद उसे वापस लौट के दूसरी सुई के पास आना होता है। तो यहाँ पर वो फिज़िक्स के इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको समझा रहा है, यहाँ उसने इसको प्यार से कंपेयर किया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।